के पाठशाला की का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा स्पेशल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का एक बड़ा सिंपल सा हिसाब है, और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना हिसाब है, कि सामने जब कुछ सवाल खड़े हो जाएं, कुछ चुनौतियां खड़ी हो जाएं, तो सिर झुकाओ और अपने काम से जवाब दो। ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, और इसलिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का फर्क सिर्फ इतना है कि मोदी काम की बदौलत बने हैं और राहुल गांधी नाम की बदौलत बने हैं, सरनेम की वजह से। और आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि इस देश की गरीब जनता तमाम शोर के बावजूद नामदार को नहीं कामदार को चुनती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू में सिर्फ चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, बल्कि ऐतिहासिक नतीजे आए। पब्लिक का जवाब आया है, हिंदुओं का जवाब आया है। राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम सिर्फ माहौल बनाने में तो फुल एक्सपर्ट है, लेकिन जमीन पर काम करने की बात कर लो तो ये लोग सन्नाटे में चले जाते हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें कम क्या हुई, बीजेपी की इंडी गठबंधन ने तो माहौल बनाया कि अब तो मोदी मैजिक खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए, उनका जलवा नहीं रहा, मोदी का चेहरा जो है वो उतर गया है, उनके कंधे झुक गए हैं। आपको याद है ना राहुल गांधी कैसा बोलते थे कि मैंने मोदी की हवा निकाल दी। इतना सब सुनने के बावजूद नरेंद्र मोदी पिछले 4 महीने से सबको चुपचाप देखते रहे, सुनते रहे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर इकोसिस्टम को शोर से जवाब देने की बजाय चुनाव के नतीजों से ऐसा जवाब दिया जिसका शोर आज हर तरफ है। और यही मोदी और संघ का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, काम ज्यादा शोर कम। और इसलिए आज राहुल गांधी और कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब दिया। सबसे ज्यादा करंट राहुल गांधी को ही लगा होगा, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्होंने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी से ज्यादा पीएम मोदी के नाम पर, उनके काम पर कॉन्फिडेंस जताया। राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्होंने पीएम मोदी के कंधे झुका दिए, हरियाणा की जनता ने बता दिया कि कंधे और मुंह लटकाने का टाइम तो कांग्रेस और राहुल गांधी का है। राहुल गांधी कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आ रही है, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस की आंधी को आधी सीट भी नहीं दी, आंधी तो बहुत दूर की बात। मोदी मैजिक क्या होता है ये बात हरियाणा के नतीजों ने बता दिया, क्योंकि हरियाणा वो राज्य है जहां पीएम मोदी जब 2014 में आए सत्ता में तो विधानसभा चुनाव में पहली जीत हरियाणा में ही मिली थी। आज जब 2024 चल रहा है और जब नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में फिर बड़ी जीत दिलाई है, 2014 में बीजेपी को हरियाणा में 47 सीटें मिली थी और पहली बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी तब। 10 साल बाद 2024 में बीजेपी को 48 सीटें मिली और तीसरी बार सरकार बनाई है बीजेपी ने वहां, और ये कोई पार्टी हरियाणा में नहीं कर पाई, रिपीट ही नहीं कर पाते बॉस, 3 बार का तो बहुत दूर का मामला है। आप सोचिए 10 साल के बाद भी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 2014 के मुकाबले बड़ा मैंडेट लाना, तीसरी बार सरकार बना लेना, यह नरेंद्र मोदी का ही मैजिक है, जिसे कम आंकने की भूल कांग्रेस को भारी पड़ गई। हरियाणा की जीत इस मायने में भी बड़ी है कि हरियाणा वो राज्य है जहां 2014 से पहले बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। 2014 में नरेंद्र मोदी आए तो हरियाणा में बीजेपी को पहली बार सत्ता मिली, अब लगातार तीसरी बार सरकार बना लेना कोई मामूली बात नहीं। हरियाणा की जीत इसलिए भी बड़ी हो गई क्योंकि अभी 4 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। हरियाणा की 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी और लोग कहने लगे कि बीजेपी खत्म हो गया, हरियाणा में कुछ भी हिसाब नहीं है, राहुल गांधी तो कहने लगे कि हमने कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी का तोड़ दिया वगैरह 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 चीजें चलने लगी। लेकिन आप देखिए कि हरियाणा में कैसे बीजेपी ने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को पीछे किया और यहां पर जीत की हैट्रिक लगा दी। कांग्रेस जो माहौल बना रही थी वो मोदी मैजिक के सामने टिक नहीं पाया। अब आप देखिए हरियाणा चुनाव में मोदी मैजिक के सामने क्या क्या नहीं चला, आपको यह समझना चाहिए। भाई राहुल गांधी की जाति की राजनीति नहीं चली ना, दिन रात जाति 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 करते रहे। पब्लिक ने कहा कि यहां से क्यों नहीं जाते, जाति का जनगणना का वादा करना भी काम नहीं आया कांग्रेस। किसानों को भड़काने का मुद्दा नहीं चला मोदी मैजिक के सामने, कांग्रेस का एमएसपी की गारंटी का वादा कि कानून बना देंगे वो भी बेअसर रहा। जवानों को भड़काने का मुद्दा नहीं चला जबकि राहुल गांधी अग्निवीर के मुद्दे को खूब जोर शोर से उठा रहे थे। आपको याद होगा संसद में जो उन्होंने कहा, हमने उसका फैक्ट चेक करके बताया था, नहीं मानी पब्लिक, भाई अग्निवीर अग्निवीर करते रहे। अडानी अंबानी का मुद्दा उठाए, फेल हो गया।
पहलवानों का मुद्दा उठाए भड़काने के लिए उकसाने की कोशिश की, वो भी नहीं चला। लोकसभा की तरह संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर भड़काने की कोशिश की, राहुल गांधी वहां भी फेल हो गए। इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जीत की बड़ी लकीर खींच दी और बीजेपी में नई जान फूंक दी। आज फिर से मोदी मोदी इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हरियाणा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने अब तक का बेस्ट प्रदर्शन किया है। मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताता हूं, अगर आप देखेंगे कि कैसे बीजेपी का बेस्ट प्रदर्शन है, फिर आपको बताऊंगा कि यह नरेंद्र मोदी ने किया कैसे पॉसिबल, उस पर आऊंगा। लेकिन आप हरियाणा में देखिए, जहां पर बीजेपी को सीटें आई हैं, बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है। 2019 में बीजेपी को 40 सीट आई थी, ये आपको बीजेपी का हिसाब बता रहा हूं। और इस बार 2024 में बीजेपी ने 8 सीटें बढ़ा ली, मतलब एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज बीजेपी के लिए असर ही नहीं छोड़ती भाई। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हर जगह बीजेपी ने यह नया पैटर्न सेट कर दिया कि प्रो इनकम्बेंसी, सत्ता के समर्थन में लहर पैदा हो जाती है। और अगर आप वोट शेयर देखेंगे बीजेपी का हरियाणा के अंदर, तो बीजेपी का 2019 में वोट शेयर था करीब करीब 37.6%, 37.6%। 2024 में बीजेपी ने अपना वोट शेयर भी बढ़ा लिया और करीब करीब 40% के करीब पहुंच गए। यह है नरेंद्र मोदी का मैजिक। इसी तरह से अगर आपको जम्मू कश्मीर का हिसाब बताऊं, जम्मू कश्मीर में अगर स्पेशली आप जम्मू का रीजन देखें, जम्मू में बीजेपी ने 2014 में 25 सीट हासिल की थी और 2019 में बीजेपी को यहां पर 29 सीट मिली थी। 2024 में, ये 2024 क्योंकि 2019 में तो चुनाव हुआ नहीं, तो बीजेपी ने अपना वहां भी ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर लिया। और अगर इसी तरह से आप वोट शेयर देखिएगा, वोट प्रतिशत, तो 2014 में बीजेपी का वोट शेयर जम्मू रीजन में 23% था और 2024 में, और ये ओवरऑल आपको बता रहा हूं, ये बढ़कर जो है वो 25.64% हो गया। ये आपको पूरे जम्मू कश्मीर का बता रहा हूं। तो बीजेपी ने वहां भी गेन किया। जम्मू कश्मीर में जो दूसरी पार्टियों का वोट शेयर है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी सरकार जरूर बन रही है लेकिन उसका वोट प्रतिशत बीजेपी से कम है। बीजेपी 25% के पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 23.43 और कांग्रेस तो 12% पार नहीं कर पाई बॉस। ये कांग्रेस का हाल हुआ है, हरियाणा में सरकार नहीं बनी और वहां जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बीजेपी से आधी से भी कम वोट शेयर पर संतोष करना पड़ा। यह रिजल्ट एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे मेहनत और रणनीति है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी का दिमाग है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में इस बार ज्यादा चुनावी रैली नहीं की, सिर्फ 4 रैलियां की, लेकिन ग्राउंड वर्क पर ज्यादा जोर दिया। चुनाव से 6 महीने पहले हरियाणा का सीएम बदल दिया, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को नया सीएम बना दिया गया। हरियाणा के लिए बीजेपी की ऐसी टीम बनाई जो चुपचाप जमीनी स्तर पर काम करती रही, कांग्रेस के बनाए माहौल के उलट बूथ मैनेजमेंट पर काम हुआ। इस बात का ध्यान रखा गया कि हरियाणा के जिस इलाके में जो नेता ज्यादा प्रभावी है, उसे उसी के इलाके में पूरा जोर लगाने के लिए कहा गया। कांग्रेस ने जाट वोटों पर पूरा जोर लगाया, बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों को फोकस करते हुए गैर जाट वोटों का साथ लिया। यह नरेंद्र मोदी का बड़ा कमबैक भी है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई। लोकसभा चुनाव में झटका इसलिए लगा था कि पार्टी और वोटर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, ऐसा माना गया। पीएम मोदी के नाम पर वोट डालने वालों को लग रहा था कि बीजेपी हर हाल में जीतेगी, इसी सोच की वजह से वोटर और नेता आराम से बैठ गए और चुनाव जीता हुआ मान लिया। लेकिन जिस तरह से झटका लोकसभा चुनाव में लगा, उससे कोर वोटर सक्रिय हुआ, कोर वोटर को लगा कि अगर वो सक्रिय नहीं होंगे तो फिर विरोधियों के हाथ में सत्ता चली जाएगी। इसके अलावा नेता भी इस बार किसी हवाबाजी में नहीं फंसे, चुपचाप अपना काम करते रहे। हरियाणा में मोटिवेटेड वोटर्स, ग्राउंड पर चुपचाप नेताओं का काम और अच्छा इलेक्शन मैनेजमेंट, ये सब कुछ मिलाकर बीजेपी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया हरियाणा। इसी का नतीजा है कि हरियाणा में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई। और यही नहीं, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जो झटका लगा था, उसके 4 महीने के अंदर ही जबरदस्त कमबैक हो गया। इसके अलावा कैसे हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ, आरएसएस संघ की क्या भूमिका रही, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले यह देखिए
कि राहुल गांधी और कांग्रेस हरियाणा के लिए माहौल तो खूब बनाए। राहुल गांधी तो हरियाणा में आंधी आने की बात कर रहे थे, लेकिन नतीजे आए तो राहुल गांधी के सारे दावे नरेंद्र मोदी के तूफान में उड़ गए। आप राहुल गांधी का परफॉर्मेंस देखिए, जहां जहां राहुल गांधी ने रैलियां की वहां दुर्गति हुई। अगर आप देखेंगे हरियाणा, यहां पर राहुल की रैली आपको दिखा रहा हूं, राहुल की रैली जहां पर राहुल गांधी ने रैलियां की वहां पर क्या हाल हुआ। हरियाणा में रैली कितनी की, रैली की 9 सीट पर। कांग्रेस हारी कितनी, कांग्रेस हार गई इन 9 में से 6 सीट हार गई। यह तो राहुल गांधी के रैली करने का असर है। 9 सीट ऐसे थी जहां राहुल गांधी ने रैलियां की, उसमें से 6 कांग्रेस हार गई। इसी तरह से अगर आप जम्मू कश्मीर का देखेंगे, J&K का, वहां पर कैंपेन किया कितनी सीटों पर, कैंपेन किया 13 सीट पर, और उसमें से कांग्रेस हारी कितनी, कांग्रेस गठबंधन 12 पर हार गई, 12 सीट। यह राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट है बॉस, और इनका पूरा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट बना चुका है। पब्लिक नहीं मानती। राहुल गांधी बुरी तरह फेल इसलिए हो गए क्योंकि अब जनता उनका खेल समझ गई, वो बार बार उनकी बातों में नहीं आने वाली। भाई कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस ने भर भर कर मुफ्त वाले वादे कर दिए। इसमें मुफ्त बिजली, महिलाओं को हर महीने पैसे, गरीबों को 100-100 गज का प्लॉट देने जैसे वादे थे। लेकिन हरियाणा की जनता ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का हाल देख लिया। वहां कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश का कितना बुरा हाल किया हुआ है कि टॉयलेट सीट पर भी टैक्स वसूलने की नौबत आ गई थी, सैलरी पेंशन टाइम पर देने के लाले पड़ गए थे। पब्लिक को दिख रहा है कि खटाखट बोल देना और उसका रील और मीम बना देना बहुत आसान है, देने में जो हालत खराब होती है और जब पब्लिक को पैसा नहीं मिलता है तो समझ में आता है ना। हरियाणा वालों ने हाथ जोड़ दिया कि बॉस आगे बढ़िए खटाखट। इसी तरह राहुल गांधी ने हरियाणा में MSP की गारंटी देने का वादा किया, लेकिन जनता समझ गई कि सिर्फ एक जुमला भर है, क्योंकि अगर ये MSP पर कानून ला रहे होते तो कर्नाटक में ला चुके होते, हिमाचल में ला चुके होते, दूसरे राज्यों में ले आते जहां पर इनके गठबंधन की सरकार है, क्यों नहीं लाए। पब्लिक समझ गई कि ओ घुमा रहे हैं भैया, जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में जाति जनगणना का वादा किया, लेकिन इस वादे को भी जनता ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जनता कर्नाटक में देख चुकी है कि कैसे वहां जाति जनगणना कराकर भी कांग्रेस सरकार उसके आंकड़े तक जारी नहीं कर रही। राहुल गांधी को लगा कि जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव में PM मोदी के खिलाफ आरक्षण खत्म करने और संविधान खत्म करने का नैरेटिव चलाया था, वैसा ही दाव वो हरियाणा में चल देंगे, लेकिन जनता ने इस दाव को भी खारिज कर दिया। इनफैक्ट राहुल गांधी ने जो अमेरिका में कहा कि सही समय आएगा तो हम आरक्षण खत्म करने पर विचार करेंगे, जिस पर उन्हें बाद में सफाई देनी पड़ी, कई लोग जानकारों को लगता है कि हरियाणा में उसका नुकसान हुआ राहुल गांधी को।